वेलकम टू इलेक्ट्रो मॉड्यूल। आज की हम अनबॉक्सिंग वाली सीरीज में एक पावर कन्वर्टर मॉड्यूल देखने वाले हैं, जिसको हम बक मॉड्यूल बोलते हैं। इसका नाम हम पढ़ें तो LM2596 DC-DC बक मॉड्यूल है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको हमने सिंपली अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद इस तरीके से हमें ये मॉड्यूल मिलता है। तो मैं इस मॉड्यूल के बारे में आपको समझाता हूँ। ये हमारे यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। ये मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर है 10K का, और ये हमारी मेन चिप है। इसका नाम है LM2596 चिप जो होती है। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। और इसके बाद यहाँ पे आउट प्लस आउट माइनस, यहाँ से मतलब अपना जो पावर है वो आउट होगी और यहाँ से पावर इन होगी, इन प्लस इन माइनस। ठीक है, माइनस प्लस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ से इन होगी। और इसमें यहाँ पे जो अपनी माइनस सप्लाई है, यहाँ पे एक डायोड लगा के रखा है प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि ये जो रिवर्स करंट है वो रिवर्स करंट ना आए। और यहाँ पे एक अपना क्या बोलते हैं, इंडक्टर लगा हुआ है। और इंडक्टर के अलावा इसमें कुछ रेजिस्टेंस हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर हैं। यहाँ पे एक पावर LED है, जो कि जैसे ही इसको पावर देंगे तो LED ऑन हो जाएगी। और ये इनपुट आउटपुट पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। आउटपुट पे हमारा 220 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट लगा हुआ है, और इनपुट पे हमारा 100 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट लगा हुआ है। ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, ये अराउंड 24 वोल्ट के ऊपर से भी, मतलब अराउंड 25 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट के बीच में कहीं पे भी वेरिएबल वोल्टेज अपन सेट कर सकते हैं। मतलब अगर एक फिक्स पावर सप्लाई आपको चाहिए है तो इसका आप यूज कर सकते हो। कभी हम इस वाले बक मॉड्यूल का यूज करके एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे बेसिक सी। अभी के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे प्लस माइनस दिए होते हैं, और यहाँ पे डायरेक्शन का एरो होता है किस डायरेक्शन में सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पे इन है, यहाँ पे आउट है। बहुत सारे हॉबी प्रोजेक्ट में इसको हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।